الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكتاب المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے درود پاک پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. अल्लाह ताला की हमदो सना जाने कायनात रहमते दो आलम शफीए मुअज्जम हम सब के आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हुजूर खराजे मोहब्बत अकीदत पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों और प्यारे से बच्चों अल्लाह ताला के फजल और उसके करम और उसकी तौफीक से आपने एक ऐसे काम का आगाज किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें और रसूल पाक अलैहि सलाम की निगाह करम आपकी तरफ मुतवज्जे हुई. खत्मे नबूवत की आगाही पे आप लोग बैठे हैं. ये है क्या चीज खत्म नबूवत के हवाले से जो आगाही कोर्स आपने आगाज किया है, ये समझने की निहायत जरूरत है और ये वाकई ही जरूरत है कि हम अपनी नस्लों तक ये चीज पहुंचा के जाए. सुना है कि पिछले दिनों दूसरे अकीदे वालों का एक बुजुर्ग दुनिया से पर्दा कर गया. उसके बारे में आता है कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 50 सालों में अपनी जिंदगी के आखिरी 50 सालों में हर रात इशा के बाद उसने अपने बच्चों को अकीदे की तालीम दी है. एक दिन भी एक रात भी उसने इन 50 सालों में जाया नहीं की जिसमें उसने अपने बच्चों को अपने अकीदे की तालीम ना दी हो. आप मुबारक के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने खुद के लिए भी और सबसे बड़ी जो चीज है इन बच्चों को बिठाया है, इन बच्चों के जहनों में इनके दिलों में ये अकीदा उतारने के लिए आपने ये जो एहतमाम किया है इस पे आपको जितनी भी मुबारक दूं वो कम है.
बहुत बड़ा काम है अपनी नस्लों तक अपना अकीदा पहुंचाना और उसको महफूज करना, अपनी नस्लों को संवारने के लिए ऐसी चीज़ों का एहतमाम करना। ये अकीदा, लफ्ज़ अकीदा, इसको समझें कि अकीदा अगर ठीक हो, अकीदा अगर ठीक हो, अमल थोड़ा हो, अकीदा अगर ठीक हो, बंदे का अमल थोड़ा हो, बंदे की निजात हो सकती है, हो जाएगी, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। लेकिन यही अकीदा अगर बंदे का ठीक ना हो, अमल उसका बहुत ज्यादा हो, वो साइमुद्दहर हो, सारी जिंदगी रोजा रखने वाला हो, रात को तहज्जुद पढ़ने वाला हो, दिन को जिहाद करने वाला हो, वो काबे का हज करने वाला हो, कहा अगर उसका अकीदा खराब है, वो चाहे तहज्जुद पढ़ता हुआ मर जाए, वो रोजे की हालत में मर जाए, वो जिहाद करता हुआ मर जाए, वो खाना काबा के सहन में मर जाए, या रोजा रसूल के सामने कदमैने मुबारक में मर जाए, वो बिल यकीन हकीकी जहन्नमी है, वो बंदा जहन्नमी है, वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसका अकीदा ठीक नहीं है। अकीदा खराब हो, अमल ज्यादा उसको फायदा नहीं दे सकता। अगर अकीदा सही हो, थोड़े अमल के साथ भी बंदे की निजात हो जाती है। और इस्लाम के अंदर ये जो अकीदा खत्म नबूवत है, अकीदा खत्म नबूवत, ये पूरे इस्लाम की जान है, पूरे इस्लाम की जान है। अगर इस्लाम के अंदर से अकीदा खत्म नबूवत को निकाल दें तो इस्लाम की इमारत गिर जाती है। दुनिया के सारे उलूम, कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, इल्म फिका, उसूल फिका, हदीस, उसूल हदीस, इल्मुल कलाम, जितने भी उलूम ले लें, इन सब उलूम की असल अकीदा खत्म नबूवत है। अगर ये अकीदा इनमें शामिल नहीं तो ये सारे इलम बेकार हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अकीदा खत्म नबूवत ये ईमान की असल है, ये ईमान की जान है। इसके बगैर इंसान के ईमान की जो इमारत है वो गिर जाती है। ये जो पिलर है, ये चारों तरफ जो दीवारें हैं, ये बीम है, अगर आप निकाल दें तो क्या होगा, आपकी छत नीचे आ गिरेगी। इसने सहारा दिया हुआ है इस इमारत को, छत को। इस्लाम की इमारत अकीदा खत्म नबूवत पर कायम है। अगर अकीदा खत्म नबूवत निकल गया तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी। खत्म नबूवत का मतलब कुरान करीम की ये जो आया करीमा हमने तिलावत की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वखातमन नबीय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। अब कुरान करीम ने इस आया करीमा में वाजे तौर पे दो टोक अल्फाज में समझा दिया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आखिरी का मतलब क्या होता है, आखिरी का मतलब क्या होता है कि जिसके बाद कोई ना हो, जिसके बाद कोई ना हो, कोई का तसव्वुर भी ना हो, कोई का तसव्वुर भी ना हो, ये बात है, कोई का तसव्वुर भी ना हो। अकीदा खत्म नबूवत में कोई का तसव्वुर भी ना हो, तसव्वुर भी पाया जाए तो बंदे का मामला खराब हो जाएगा। तो ये है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी। ये बच्चे बात समझ रहे हैं ना, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी इस कायनात के अंदर नहीं आ सकता।
1,24,000 कमोबेश अंबिया का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अली सलाम से शुरू किया और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मुकम्मल फरमा दिया। ये है, इसे हम बोलते हैं अकीदा खत्म नबूवत। जब से आदम अली सलाम जमीन पे आए तो साथ शैतान भी जमीन पे आए। जब जब जहां जहां हक होगा बातिल भी साथ होगा, जहां जहां आदिम है वहां वहां शैतान भी साथ है। तो रसूल पाक अली सलाम की तबलीग, आपकी काविश, आपकी मेहनत का लगाया हुआ बूटा जो इस्लाम की शक्ल में और आपकी आल औलाद की कुर्बानियों की सूरत में आज जो हमारे तक मौजूद है, इसको खत्म करने के लिए शुरू से दुनिया कुफर एरी चोटी का जोर लगा रही है कि इस्लाम की इमारत को खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने बहुत बहुत सारे उन्होंने हरबे आजमाए, उनमें से एक हरबा ये था कि उन्होंने कादियानी को खड़ा किया, इस मिर्जे को खड़ा किया और इससे नबूवत का दावा करवाया, ऐलान करवाया कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। कभी इसने दावा किया मैं मसीह माऊद हूं, मैं महदी हूं, न जाने कौन कौन से दावे इसने तराशे। तो इस्लाम के इस अकीदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस्लाम की इमारत इस अकीदे पे खड़ी है, उन्होंने वार भी इसी अकीदे पे किया कि इस अकीदे को कमजोर कर दो इस्लाम खुद ब खुद कमजोर हो जाए। तो उन्होंने अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया, उसने नबूवत का दावा किया, कादियानी ने दावा किया। अब देखें, सवाल एक पैदा होता है, ये समझे गौर से मेरी बात सुने, सवाल पैदा होता है कि जो कुरान को मानता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। मरज़ई कादियानी भी यही कहता है, मैं कुरान को भी मानता हूँ, रसूलुल्लाह को भी मानता हूँ, यही कहता है। अश्काल है नौजवान नस्ल में, परेशानी लग जाती है इस बात पे कि कुरान वो भी यही पढ़ते हैं, वो कहते हैं हम यही कुरान पढ़ते हैं, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो ये बात जहन में रखें, कुरान पर ईमान लाना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत को मानना, उस पे ईमान लाना इतना ही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है, इसको समझे। इस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत हबीब बिन जैद, हबीब बिन जैद, उसको मुसैलमा कज़ाब ने पकड़वा लिया अपने आदमियों के जरिए, सहाबी रसूल को। मुसैलमा कज़ाब वो जिसने जमाने रसूल में नबूवत का दावा किया, उसने पकड़वा लिया हबीब बिन जैद सहाबी रसूल को। अब ये सहाबी मुसैलमा कज़ाब के सामने खड़े हैं, उसने कहा कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहते हो, मोहम्मद के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। सहाबी रसूल कहते हैं वो हमारे आका हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी। क्या कहा? आखिरी नबी हैं। उसने कहा तुम्हारा मेरे बारे क्या अकीदा है, मेरे बारे क्या ख्याल है। तो सहाबी रसूल फरमाने लगे मेरे कान ये बात सुन ही नहीं पा रहे, मेरे कान ये बात सुन ही नहीं पा रहे। उसने फिर पूछा कि तेरा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। तो सहाबी रसूल फरमाने लगे वो हमारे आका हैं, नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उसने कहा मेरे बारे में क्या अकीदा है। कहा मेरे कान ये बात सुन ही नहीं पा रहे, तो क्या कह रहा है। मुसैलमा ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया
सियाबी का बाजू काट दिया गया, दाया बाजू काट दिया गया। कहा अब बोल मोहम्मद के बारे, कहा अल्लाह के आखिरी नबी है। मेरे बारे कहा मेरे कानों को ये बात ही समझ नहीं आती। उसने हुक्म दिया, दूसरा बाजू काट दिया गया। उसने फिर पूछा कि अब बोलो, कहा अल्लाह के आखिरी नबी है। उसने कहा दाईं टांग काट दो, अब बोलो, कहा अल्लाह के नबी हैं। मेरे बारे कहा मेरे कानों को ये बात ही समझ नहीं आती। दूसरी टांग कटवा दी, जिस्म की बोटियां बोटियां उसने कर दी। लेकिन सहाबी रसूल ने कहा ये जान जा सकती है और ये जिस्म के चीथड़े उड़ जाएं और ये बोटी बोटी ये बदन हो जाए, हड्डियों का सुरमा बन जाए और इस जिस्म को जलाकर राख बना के तुम हवा में भी उड़ा दो, उस खाक से भी यही आवाज आएगी, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। खत्मे नबूवत का पहला शहीद हबीब बिन जैद, हबीब बिन जैद। अकीदा खत्मे नबूवत पर सबसे पहले जिसने अपनी जान कुर्बान पेश की, उस सहाबी, उस मुजाहिद, उस शहीद का क्या नाम है? हबीब बिन जैद। ये ज़हन रखें, इसको बेशक लिखना चाहे लिख लें कि शहीद खत्मे नबूवत सबसे पहले जिसने अकीदा खत्मे नबूवत पे जान दी, उस सहाबी का नाम क्या है? हबीब बिन जैद। अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत पे सौदा नहीं किया। अब उस मुसैलमा कज़ाब ने, जो यमामा के एक कबीले बनू हनीफा का सरदार था, यमामा इलाका है, उसका कबीला है बनू हनीफा, उसका ये सरदार है, तो इसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को खत लिखा, दो आदमियों को वो खत देकर भेजा। उस खत में ये लिखा के मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मुआज़ल्ला मुसैलमा कज़ाब रसूल का पैगाम। उसे नबी पाक अली सलाम की नबूवत को भी तस्लीम किया। क्या कह रहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आगे मुआज़ल्ला मुसैलमा कज़ाब रसूलुल्लाह का पैगाम। लिखता क्या है के आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक करें, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक करें, या अपने बाद मुझे नबूवत का वारिस बना दें, या अपने बाद मुझे नबूवत का वारिस बना दें। ये बातें समझे, यही अकीदा चला आ रही है जो बातें उसने लिखी कि या मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर ले या अपने बाद मुझे नबूवत का वारिस बना दे, या ऐसे कर ले कि आप शहर वालों के नबी बन जाए, मुझे गांव वालों का नबी बना दे। ये मुसैलमा कज़ाब लिख रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम को। जब ये खत नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये नबूवत की बात कर रहा है कि मुझे नबूवत में शरीक कर लो, मैं एक तिनका भी इसको देना गवारा नहीं करता, मैं एक तिनका भी इस मुसैलमा कज़ाब को देना गवारा नहीं करता, जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जतों से नवाज दे, मैं इसको एक तिनका भी देने का रवादार नहीं हूं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने उसके सफीरों से पूछा तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने कहा हम उसको रसूल मानते हैं, हम उसको रसूल मानते हैं। मुस्तफा करीम अली सलाम ने फरमाया अगर सफीरों की इज्जत का कानून ना होता कि जो सफीर बन के आता है उसकी जानो माल इज्जत का कानून ना होता तो मैं तुम्हें अभी फौरन कत्ल करवा देता। अब यहां ये देखें, उसने नबी पाक की नबूवत को माना है मुसैलमा ने, लेकिन अपने आप को भी शरीक कर रहा है, अपने आप को भी
शरीक कर रहा है, नबूवत को मान रहा है लेकिन साथ शरीक भी कर रहा है। आज कादियानी भी यही झांसा देते हैं, हम कुरान भी पढ़ते यही हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा को मानते हैं। कुरान पढ़ना, कुरान और सुले पाक की नबूवत को मान लेना काफी नहीं है, नबूवत को इस तरह मानना है कि इसमें किसी को शरीक नहीं मानना, इसमें किसी को शरीक नहीं मानना। जो इनका बाप, जो पहला शख्स जो खत्मे नबूवत पे ढाका डालता है, वो भी रिसालत को मान रहा है, मान रहा है। आज इस झांसे में ना हो, इस बात से परेशान ना हो कि वो कुरान भी यही पढ़ते हैं और मुसलमान भी कहलाते हैं जनाब, तो नबी पाक पे ईमान भी लाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानते हैं, तो फिर जनाब ऐसे क्यों है। तो मैंने ये बात आपको समझ आ गई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानना, कुरान को मानना काफ़ी नहीं, हजूर को इस तरह मानना है कि उनकी नबूवत में किसी को शरीक नहीं माना जा सकता। हमारे आका करीम अलैहि तहियतु व सलाम बिला शिरकत गैरे अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपको यहां तक अकीदा समझ आया, बात समझ आई? फिर ये देखें, जो नबी होता है, जो मेरा उन्वान है, मैं वो आखिरी चंद मिनटों में इंशाल्लाह मैं उसे आपके सामने बयान करता हूं कि उसने जो गुस्ताखाना घटिया बातें की हैं, अंबिया की गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला की गुस्ताखी की है, अहले बैत की गुस्ताखियाँ की हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ की हैं, अखलाक से गिरी हुई बातें की हैं और गालियाँ निकाली हैं, तो अब ये सुने, जो नबी होता है, ये जो मरज़ई हैं, कादियानी हैं, ये उसको नबी मानते हैं, उसे नबी मानते हैं। वो ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मिर्ज़ा भी नबूवत में शरीक है, मिर्ज़ा भी नबूवत में शरीक है। ये चीज़ें समझे जो हमें समझने की ज़रूरत है ताकि उनके धोखे में ना आए। वो कहते हैं हम मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन वो मिर्ज़ा को मोहम्मद मानते हैं। वो जहां कहते हैं मा काना मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उस मोहम्मद से मुराद मिर्जा को मोहम्मद मुराद लेते हैं, हमारे नबी को मोहम्मद मुराद नहीं लेते। ये ज़हन में रखें, कादियानी मर्ज़ई जो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि वो मिर्जे को मोहम्मद कह रहे हैं। इस धोखे को अब समझ लें, ये इनका धोखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान रखते हैं। उनसे पूछे इस मोहम्मद से क्या मुराद है, जिस मोहम्मद पे तुम ईमान रखते इस मोहम्मद से क्या मुराद है। क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने अहमद तो लगाना ही नहीं ना, क्योंकि अगर वो अहमद का गुलाम होता, गुलाम में अहमद होता, तो ऐसी हरकत ना करता, गुलामान अहमद तो ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जनाब उसने अपनी किताब में लिखा कि कुरान पाक में अल्लाह ने ये जो फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस मोहम्मद से मुराद मैं हूं, इस मोहम्मद से मुराद मैं हूं। तो ये जो मर्ज़ई कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं, तो ये बात जहन में बिठा लें कि इससे मुराद उनकी पैगंबर इस्लाम नहीं है, इससे मुराद उनकी क्या है, मिर्जा कादियानी मुराद लेते हैं। इस बात को महफूज कर लिया जाए, नबी मानते हैं उसको। अब देखें उसका नाम क्या है, ये बयान करते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये उसका नाम बयान करते हैं। अच्छा, अब आदम अली सलाम से लेके हमारे नबी पाक तक कितने पैगंबर आए, 1,24,000 कम बेश पैगंबर इस कायनात में आए। अब आदम अली सलाम से लेके नबी पाक अली सलाम तक सारे नबियों के नाम लो, सारे नबियों के नाम लो, आदम, शीस, नूह, ठीक है जी, आते जाए आगे यूसुफ, इस्माइल, इब्राहिम, ठीक है ना, हजरत यूनुस, यूसुफ, याकूब, यानी आदम अली सलाम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितने नबी आए, हर नबी का नाम मुफरिद है, मुरक्कब नहीं है, अकेला नाम है, दो तीन नामों से जुड़ के नहीं बना। यह नबी की पहचान है, यह नबी की पहचान है कि उसका नाम मुफरिद होगा, मुरक्कब नहीं होगा। मुरक्कब का मतलब यह होता है कि दो तीन नाम जुड़े हों, जैसे मिर्जा, गुलाम, अहमद, कादियानी, कितने हो गए? चार। तो हमने कहा कि जो नबी होता है, नबी की पहचान ये है कि उसका नाम मुरक्कब नहीं होगा, मुफरिद होगा, अकेला होगा। आदम अली सलाम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफा तक सारे नबियों के नाम जितने आपको मालूम है, जितने आपको किताबों से मिल सकते हैं, उन्हें पेपर पे लिख लो, देख बताओ किस नबी का नाम दो तीन नामों से मिलके बनाओ। ये नबूवत की पहचान, समझ आ गई कि नबी जो होगा उसका नाम मुरक्कब नहीं होगा, मुफरिद होगा, अकेला नाम होगा। ये नबूवत की पहचान है। तो यहां से पता चला ये खबीस नबूवत का झूठा दावेदार। अच्छा, दूसरी नबी की पहचान ये होती है, आदम अली सलाम से लेके नबी पाक तक हर नबी बेऐब होता है। हर नबी अकीदा समझ आ रहा है, हर नबी बेऐब होता है। नबी पाक के सहाबी हजरत हसन इब्न साबित रजी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिकता कमा तशा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। सहाबी नबी पाक के सना खाने रसूल हजूर के दरबारी नाथ खां क्या कह रहे, खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली ऐब, हर ऐब से बरी अल्लाह ने आपको पैदा किया। कअन्नक कद खुलिकता कमा तशा, हजूर जिस तरह आपने चाहा अल्लाह ने वैसा आपको पैदा किया। तो नबी के जिस्म में कोई ऐब नहीं होता। हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में उनकी कौम को कुछ शक पड़ गया, वो सारे इकट्ठे एक जगह पे नहाया करते थे, मतलब पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, बनी इसराइल की कौम एक ही जगह इकट्ठी नहाया करती थी। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहि सलाम उनकी जगह नहीं नहाया करते थे। इमाम बुखारी ने इसको नकल किया बुखारी शरीफ के अंदर, मूसा अलैहि सलाम एक लहदा एक गार के अंदर जाके और चश्मे पे पर्दे वाली जगह पे आप नहाया करते थे, नहाया करते थे। लोगों ने इस बात को महसूस किया, उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि गालबन मूसा अलैहि सलाम के अंदर कोई ऐब है, इसलिए ये हमारे साथ मिलके यहां नहाते नहीं है, वो कहीं दूर जाके नहाते हैं। उन्होंने अफवाह उड़ा दी, पैगंबर के बारे में गलत बात फैला दी। और ये बदबख्त जो होते हैं, जो अल्लाह की जिन पर फटकार होती है, वो हरीम नबूवत में ऐसी जसारतें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से प्यार करता है और उनका किस तरह दिफा करता है कि एक दिन हजरत मूसा अली सलाम आप नहा रहे थे, और अब यहाँ ये जो है कि दो तीन अकवाल मिलते हैं कि एक अकवाल ये कि आपने अपने जो कपड़े उतारे थे पत्थर पे रखे थे, पत्थर वो कपड़े लेके भाग पड़ा, एक रिवायत ये आती है। तो जनाब आप भागे अपने कपड़ों को लेने के लिए, तो उस वक्त क्या हुआ कि जिधर जिधर को वो पत्थर घूमता चला जा रहा था, मूसा अलैहि सलाम उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। बस्ती वालों ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को देख लिया कि अल्लाह का जो नबी है उसके जिस्म में कोई ऐब नहीं, अल्लाह ने अपने नबी को बेऐब साबित कर दिया। या इस तरह उन्होंने नहाते हुए कहीं हजरत मूसा अलैहि सलाम को देख लिया तो देखा कि मूसा के जिस्म में कोई ऐब नहीं है। तो अल्लाह का जो नबी होता है वो बेऐब होता है, उसको अल्लाह ने हुसन दिया होता है, खूबसूरती दी होती है, वो जिस्म के लिहाज से, हुसन के लिहाज से लोगों में से खूबसूरत होता है। जो नबी होता है वो खूबसूरत होता है, उसके जिस्म में ऐब नहीं होता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में
आंखों की बेनाई चली गई थी, लेकिन अल्लाह ने फिर उनको वो बेनाई वापस लौटा दी। ठीक है, कुछ नबियों की बेनाई गई है लेकिन उनकी सुनवाई खराब नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने उनको फिर लौटा दी। कोई नबी आंख से काना नहीं था, कोई नबी आंख से काना नहीं था। ये काना होना, एक आंख का ना होना जिस्म के अंदर ऐब है, जिस्म के अंदर ऐब है। जनाब आदम अली सलाम से लेकर नबी पाक अली सलाम तक कोई नबी काना नहीं था, उनके जिस्म में ऐब नहीं था, लंगड़ाकर नहीं चलता था। ये तो खबीस काना था, ये खबीस काना था जो नबूवत का दावा करता चला जा रहा था। ये तो काना था, ये चलता भी टेढ़ा था, ये चलता भी टेढ़ा था। तो मालूम हुआ नबी की मैंने दो निशानियां आपको बयान की कि उसका नाम मुफरिद होगा, मुरकब नहीं होगा। और नबी खूबसूरत होता है, हुसीन होता है, जमील होता है, उसके जिस्म में कोई ऐब नहीं होता। ये तो ऐबों का पलंदा था, ये तो ऐबों का पुलंदा था, बदसूरती और खबासत और निजासत का ये ढेर था। ठीक है जी, तो फिर जो नबी होता है ना वो अखलाके आलिया का मालिक होता है। कुरान क्या कहता है हमारे नबी पाक के बारे में, वइन्नक लअला खुलुकिन अजीम। बेशक आप अखलाक के आला दर्जे पर अल्लाह ने आपको फाइज किया है, अखलाक के आला दर्जे पे अल्लाह ने आपको फाइल किया है। नबी पाक के अखलाक देखें, आपको लोगों ने पत्थर मारे आपने बदुआ नहीं दी, लोगों ने पत्थर मारे आपने दुआएं दी, लोगों ने गालियां दी आपने उनको फूल दिए हैं, दुआएं दी हैं। लोग आपकी जान के दुश्मन हुए आपने उनको दुआएं दी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, आपकी इज्जत पे उंगलियां उठाई गई। ताइफ के मैदान में आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, पत्थर मारे गए, लहू लुहान हो गए। ताइफ के बाग में जिस वक्त बैठते हैं तो फरिश्ता कहता है हुजूर अगर हुक्म करें तो मैं इन पहाड़ों को उठा के बस्ती के ऊपर फेंक दूं, इन ताइफ वालों को बर्बाद कर दूं। मुस्तफा करीम अली सलाम ने फरमाया ये मुझे जानते नहीं, हो सकता है अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम की समझ अता फरमा। हजूर ने इनको बदुआ नहीं दी, क्या फरमाया, हो सकता अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम की समझ अता फरमा दे। मेरे नबी की निगाह देखें, फरासत देखें, निगाहे नबूवत देखें, उसी ताइफ के कबीले से, ताइफ का कबीला है बर्बर, क्या बर्बर कबीला है ताइफ का, उसी कबीले से फिर मोहम्मद बिन कासिम उठता है। ताइफ के कबीले बर्बर से मोहम्मद बिन कासिम उठता है, वहां से चलता है फिर इस्लाम की सिंध की जमीन पे आके इस्लाम का परचम लहरा दे। वो जिन्होंने जिनके बड़ों ने कल पत्थर मारे थे हजूर को लहू लुहान किया था, मेरे नबी देख रहे थे कल इन्हीं के बच्चे उठ के मेरे दीन का जिसका आज मैं पैगाम लेके आया हूं उसी का परचम जाके सिंध की जमीन पे लहराया। माशाल्लाह आपने अपने इन बच्चों तक ये अकीदा पहुंचाया, कल यही बच्चे खत्म नबूवत का दिफा करें, यही ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगाए, यही हजूर की इज्जत के लिए अपनी जाने अगली सफों में खड़े होकर कुर्बान करेंगे, ये रसूलुल्लाह की इज्जत पर अपना तन मन धन सब माल दौलत इज्जत सब हजूर की इज्जत पे कुर्बान करेंगे। तो ये है अखलाक के, हजूर ने दुआएं दी पर दुआएं नहीं दी, मानने वालों को तो भी दुआएं दी, ना मानने वालों को भी हजूर ने दुआएं दी, लेकिन ये बदबख्त क्या कहता है कि जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे नहीं मानता कहता है कि वो बियाबानों के खंजीर हो गए, उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो हमें नहीं मानता, ये इसने अपनी किताब में लिखा है कि जो हमें नजमल हुदा, किताब का नाम है इसकी, खजाइन रूहानी खजाइन, ये मिर्जा कादियानी की किताब है, लिखता है कि हमारे दुश्मन बियाबानों के खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई, यानी ये
ऐसा आम शख्स भी अखलाक के इस दर्जे पे फाइज नहीं होता कि जनाब जिस दर्जे पे ये घटिया मुकाम पर ये पहुंचा है। फिर ये कहता है कि जो आदमी हमारी फतह का कायल नहीं, जो आदमी हमारी फतह का कायल नहीं होगा, साफ समझा जाएगा कि उसको वलदुल हराम बनने का शौक है, वो हलाल ज़दा नहीं। मतलब इसका ये है कि जो हमारी फतह को नहीं मानता वो हराम ज़दा है, हलाल का नहीं, सादा लफ्जों में। तो ये मिर्जा के इन अल्फाजों को उसके हवाली इनकार करके दिखाएं कि ये मिर्जा ने नहीं लिखा, ये इनकार करके दिखाएं कि ये मिर्जा की इबारतें नहीं है। और इस बदबख्त को देखो कि ये जिस मालिक ने इसको जिंदगी दी है, जिसने इसको पैदा किया है, उस मालिक के बारे में क्या कहता है। कहता है इसने, देखें वो मालिक इस्लाम का अकीदा तौहीद, देखें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके यहाँ कोई माँ बाप है, उसकी इस बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। मगर ये फितना कादियानियत का बानी मिर्जा कादियानी ना सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि खुदा की औलाद होने का भी इसने दावा कर दिया। इसने अपने आप को खुदा की औलाद होने का भी दावा किया और अपने आप को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, अपने आप को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। क्या कहता है, मुझ पर वही नाजिल हुई, अल्लाह ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, अंत मिन्नी बी मंजिलती औलादी, ए मिर्जा तुम मेरे नजदीक मेरी औलाद की तरह। ये चीजें बयान नहीं हो सकती, लेकिन कादियानियत का चेहरा बेनकाब करने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए ये चीजें हमें बा अम्र मजबूरी ये बयान करनी पड़ती, इनकी गुस्ताखियों को बयान करना पड़ता है। कहता है वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा, वो खुदा जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, उससे इंसान कहाँ भाग सकता है। वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में इसके अल्फाज मिर्जा के देखे, ये शख्स तो किसी इज्जत का, ये इसको तो सोचना देखना भी गवारा नहीं किया जा सकता कि जो अपने मालिक के साथ मुखलिस नहीं हो सका, जो अपने रब के साथ वो मतलब के उसकी तौहीद पे डाका डाले, तो वो नबुव्वत पे क्यों ना डाका डालते। तो अल्लाह ताला की तौहीद पे डाका डाल दिया, उसने खुदा होने का, खुदा का बेटा होने का दावा कर दिया है। तो जनाब ऐसे लोगों को और इसके मानने वालों को बेनकाब करो, परेशान ना हो, परेशान ना हो कि मामला खराब होगा। तुम कोई कानून के खिलाफ काम नहीं कर रहे, तुम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे, तुम फिरका वारियत नहीं फैला रहे। आईने पाकिस्तान है, कानून पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आईन इन्हें काफिर करार देता है, पाकिस्तान का आईन इन्हें काफिर करार देता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम गलियों में नारे लगाओ, तुम गलियों में नारे लगाओ, काफिर काफिर कादियानी काफिर है, काफिर काफिर कादियानी काफिर है, गलियों में नारे लगाओ, मस्जिद में नारे लगाओ, तुम्हें कानून आईन, तुम्हें कोई पुलिस वाला, कोई जज तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्यों, ये मेरा कानून है, ये मेरा पाक वतन, इसका आईन हमें इजाजत देता है कि मेरा आईन कहता है ये काफिर है, तो हम क्यों ना कहें ये काफिर है। इसलिए बिना धड़क बिना खौफ होके इनके खिलाफ ये जो जिहाद शुरू किया है, सारे मिल के आगे बढ़ो, सारे मिल के आगे बढ़ो। बूढ़े हो तो अपनी कब्र बना लो, अपनी आखिर संभालो, सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, खत्म नबूवत के महाज पे काम कर जाओ। सैयदना पीर मेहर अली शाह जो इस काफिला के सलारे, इस काफिला के सलारे अव्वल है, सिपा सलार पहले हैं इस काफिले के,
तो आप फरमाते हैं कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी कमर पे, उसकी पुश्त पे नबी पाक का हाथ होता है। आप खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाए। इस महाज पे ये मत सोचो मैं बूढ़ा हूं, मैं ठीक नहीं हूं। बाबा जी जिंदगी का मूल बढ़ जाएगा अगर खत्म नबूवत पे आप दो कदम चल गए, अपनी जान कुर्बान करके अपना वक्त लगा के, आपकी सारी जिंदगी का मूल बढ़ जाएगा। हमने खत्म नबूवत पे काम नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने मस्जिदों में दर्श नहीं दिए, अपने बच्चों को नहीं बताया। मेरे शेखे तरीकत, मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हजरत मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन क्या साहब, हर सोमवार को क्यू टीवी पे रात 9 बजे सदाए मेहराब के नाम से आपका प्रोग्राम आता है हर सोमवार को 9 बजे। तो मेरे शेख भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। आप फरमाते मैं सैयद हूँ, मैं अपने नाना, अपने अबाउजदाद, मैं गौसे पाक से लेके हजरत मौला अली, अपने नाना हजरत नबी करीम अली सलाम तक, अपने अबाओ अजदाद की कसम उठा के कहता हूं, तुम अपने बच्चों को बिठा के 11 मरतबा तुम 11 दिन ये नारा लगवा दो काफिर काफिर कादियानी काफिर है। मैं अपने अबाओ अजदाद के सहारे तुमसे ये वादा करता हूं उनके वादे पे कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। ये सादात का वादा है, सादात का वादा है। तो इसलिए घरों में अपने बीवी बच्चों को बिठाओ, अपनी खवातीन को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ और 11 दिन 11 मरतबा उनसे नारा लगवाओ और ये नारे बच्चों से गलियों में भी लगवाओ ताकि उन्हें पता चल जाए नबी पाक की इज्जत और नामूस के लिए गुलामाने रसूल अब उठ खड़े हो गए। ये है गुलाम अहमद, गुलामाने अहमद। आखिरी बात जो मैं इस पर बात करूँ क्योंकि कई बार आप पे था, नबी पाक अली सलाम के बारे में कहता है जो शख्स मुझ में और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क करता है उसने मुझे नहीं देखा और नहीं पहचाना। यानी हम दोनों में जो फर्क करता है उसने दरअसल मुझे पहचाना नहीं, यानी मोहम्मद और मैं एक ही हैं। फिर आगे बदबख्त लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब ईसाइयों के हाथ का पनीर खा लेते थे हालांकि मशहूर था कि सुअर की चर्बी उसमें पड़ती थी। अस्तग़फिरुल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी उसने कर दी। हजूर नबी पाक की जो अहले बैत है उनके बारे में गुस्ताखी क्या है कि हजूर की आल को हम अहले बैत कहते हैं, इसके मानने वाले बदबख्त इसके घर वालों को अहले बैत कहते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा निसाउल आलमीन है तो ये इसकी बेटी को सैयदा का दर्जा इसके मानने वाले देते हैं। हुसैन पाक के बारे में बदबख्त कहता है तुम किस हुसैन की बात करते हो, ऐसे 100 हुसैन मेरे गिरेबान में पड़े। इससे बदबख्त आदमी। तो मैंने इसी पे इत्तेफाक करता हूं क्योंकि ये मौजू बड़ा तवील है, इसकी गालियों पे मैं आपको इस पे दिखा देता हूं, मैं खत्म कर दिया है। ये देखें इसकी गालियां हैं, ये पेज देखें ये सारा इसकी अली से लेके या तक इसकी गालियों से भरा हुआ है। ये मिर्जा जो गालियां निकालता था ये 3 पेज हैं, देखें कितना बारीक बारीक लिखा फोन है। तो ये अली से लेके या तक इसकी गालियों से भरा हुआ है। जो गालियां निकालता था नबी गालियां नहीं निकालता, नबी गाली है नहीं निकालता, एक अच्छा शरीफ इंसान गाली नहीं निकालता। पर हुज़ूर ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, मोमिन को गाली देना फिस्क है, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। ये जमाने का सबसे बड़ा फासिक खबीस आदमी था कि जिसने ये काम किया। अल्लाह ताला आपकी साजिर को काविश को कबूल फरमाए। हमारे آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه